तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण ने 4 जुलाई को अपना इंस्टाग्राम डेब्यू किया था, जहां अभिनेता ने अपना पहला इंस्टा पोस्ट फिल्म इंडस्ट्री के अपने कलाकारों को समर्पित किया था, जिनमें बड़े सितारे, निर्देशक, अभिनेत्री और अन्य कलाकार शामिल हैं। वहीं इसके बाद अभिनेता लगातार सुर्खियों में भी रहे हैं, जिसके बाद हाल ही में अभिनेता ने इंडस्ट्री में हो रहे नेपोटिज्म पर खुलकर बात की है। दरअसल पवन कल्याण इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ब्रो की प्री रिलीज इवेंट में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के आरोपों के बारे में बात की और जहां उन्होंने अपने भतीजों और अभिनेताओं साई धर्म तेज, वरुण तेज, वैष्णव तेज को संबोधित किया और पवन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री किसी परिवार या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह सभी को समान अवसर देता है अपनी किस्मत आजमाने का। वहीं इवेंट में आगे पवन ने इस सुझाव पर अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया के बारे में बात की और कहा कि मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड से आने वाले और बिना किसी कनेक्शन के मेगा स्टार बनने वाले अभिनेता चिरंजीवी की यात्रा ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, अपने भाषण के दौरान उन्होंने आगे भी कहा कि सिनेमा और राजनीति के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परिवारों के भीतर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा दर्शकों पर होगी, क्योंकि हमारे बीच कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन हम सभी आपका मनोरंजन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए जब हमारे जैसा सामान्य बैकग्राउंड वाला कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। हालांकि पवन कल्याण की इस बयान को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।